हर दर्द की रामबाण औषधि वात पित्त कफ और गैस कभी नहीं होंगे। दोस्तों, जब भी आप बीमार पड़ती है, आपके शरीर में कहीं दर्द होता है तो कुछ दवाई खाकर जल्दी उससे राहत पा लेती है। एक बात समझिए, पेन किलर का अगर हम बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी किडनियों और लीवर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन का बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो तीन दोषों के बढ़ने से या फिर घटने से होती है, और वे तीनों दोष है वात पित्त और कफ। तो हमें इन तीनों को बैलेंस करना होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वात से संबंधित रोगों के बारे में। अभी ठंड का मौसम शुरू होने वाला है और इस मौसम में जोड़ों में, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, उठते बैठते हड्डियों से कटकट की आवाज आना, मांसपेशियों में अकड़न, दर्द, यह प्रॉब्लम शरीर में वात बढ़ने के कारण होती है। यानी कि वात दोष सर्दियों में ज्यादा एक्टिव होता है। इसके लिए क्या करें? एक नियम आप गांठ बांध लीजिए। रोज सुबह उठते ही बासी मुंह 2 से 3 गिलास तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जरूर पीना शुरू कर दीजिए। कॉपर वाटर शरीर को शुद्ध करता है, साथ ही साथ शरीर में बढ़े हुए वात को संतुलित करता है। इसके अलावा सुबह शरीर का एसिड बढ़ा हुआ होता है और जो मुंह की लार है वे सुबह सुबह आपके पेट के अंदर जानी चाहिए। ये लार आपके शरीर में बढ़े हुए एसिड को कम करती है। वात रोग की बात की जाए तो इसमें जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसे लुब्रिकेंट या फिर चिकनाहट कहा जाता है, वो खत्म हो जाती है। जोड़ आपस में घिसने लगते हैं, जिसके कारण जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिसे अर्थराइटिस भी कहा जाता है, और धीरे धीरे ये गाउट में भी बदल जाती है। दोस्तों, ये अर्थराइटिस की जो समस्या है, ये ऑटो इम्यून रोग है। यानी कि इससे हमारे शरीर ही हमें दुख देने लगता है। किसी किसी जोड़ में सूजन आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, शरीर बहुत दुखी और दर्द झेलने वाला हो जाता है। यानी अपना ही शरीर अपने आप को दर्द देना शुरू कर देता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे अंदर के अच्छे बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वात से संबंधित होने वाले जितने भी रोग है, चाहे वो गाउट है, अर्थराइटिस है, गठिया है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इन्हें कैसे आप आसानी से दूर कर सकते हैं। जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, इन्हें आप घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जो मैं आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ, ये बहुत ही आसान है, इसे आप जरूर फॉलो कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बर्तन में 1 गिलास पानी लेकर गैस पर रखना है। सबसे पहले आपको इसमें ऐड करना है वो है तेज पत्ता। दोस्तों, ये आपके शरीर के टॉक्सिन्स को, यानी कि जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है, बॉडी में होने वाली सूजन को दूर करता है। तेज पत्ते में दर्द निवारक गुण होते हैं, तो शरीर में कहीं भी दर्द हो तो आपने इस तरीके से तेज पत्ते का उपयोग करना है। इसके अलावा तेज पत्ता लीवर के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ये ब्लॉकेज को हटाने का काम करता है, नसों को शुद्ध करता है। तो यहाँ पर हमने एक तेज पत्ता इस पानी के अंदर डाल देना है। आपको गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है। देखिए दोस्तों, पानी अच्छे से उबलने लगेगा। अब हम इसमें अगली चीज जो ऐड करने वाली है वो है मेथी दाना। 1 टेबलस्पून मेथी दाना इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि डाल दीजिए। दोस्तों, ये हमारे शरीर से वात तत्व को बाहर निकालता है। मेथी दाने में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, ये शरीर में वायु तत्वों को दूर करते हैं, गैस, एसिडिटी की समस्या दूर हो जाती है। वात से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उनको दूर करेगी। गठिया, अर्थराइटिस, नसों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द, ये दूर करती है। इसके अलावा जो रेमेडी हम बना रहे हैं दोस्तों, ये आपकी आर्टरीज के लिए भी अच्छा होगा। आर्टरीज भी जो ब्लॉकेज है, खून साफ नहीं है, चेहरे पर रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये दूर हो जाएंगे। अब इस पानी को तब तक उबाल दीजिए जब तक ये पानी आधा गिलास ना रह जाए। देखिए दोस्तों, पानी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इन दोनों चीजों के औषधीय गुण इस पानी में आ चुके हैं। अब आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच गुड़। हमने गुड़ को अच्छे से पीस लिया है। अब आप इस गुड़ को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दीजिए। आपका दोस्तों ये पावरफुल घरेलू जो नुस्खा है वो तैयार हो चुका है। गैस को ऑफ कर दीजिए, इसे हम किसी कप में छान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है। दोस्तों, इस उपाय को आपको सुबह नाश्ता करने के 30 मिनट पहले या फिर दोपहर के खाना खाने के 1 घंटा बाद में लेना है। लगातार 1 महीने तक अगर आप लेते हैं तो ये आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होगा। इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, पेट अच्छे से साफ होगा, पेट में गैस, एसिडिटी, जलन की प्रॉब्लम नहीं होगी, शरीर से वात दोष दूर होगा।
जोड़ों में, घुटनों में, मांसपेशियों में होने वाला दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम दूर होगी। इसके सेवन से शरीर के सारे टॉक्सिन्स यूरिन के द्वारा निकल जाएंगे, साथ ही आपका खून भी साफ हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके सेवन से आप अपने वजन को कम कर सकोगे। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है उसे रिड्यूस करने में मदद करेगा। तो ये उपाय आपको करना है। इसके अलावा ठंड की वजह से लोगों में वात दोष की शिकायत देखी जाती है, तो इसके लिए सूरज की रोशनी वातावरण के तापमान को गर्म करने के लिए, साथ ही शरीर को गर्माहट देने में मदद करती है, जिससे शरीर में वात दोष बैलेंस भी होता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो रोजाना सुबह के समय कुछ मिनट धूप में जरूर बैठे, इससे आपके शरीर में वात बढ़ने की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। इसके अलावा रोजाना सुबह खाली पेट यानी एलोवेरा जूस पिएंगे। एलोवेरा जूस के बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं उन्हें दूर करने के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा है। एलोवेरा के अंदर भरपूर मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। ये शरीर के अंदर वायु को टिकने नहीं देते, शरीर से बाहर कर देते हैं। तो आपको 2 चम्मच एलोवेरा जूस लेना है। इसके अलावा अगर आपको गिलोय का जूस ताजा मिले तो बहुत अच्छा है। गिलोय की डंडी और पत्तों को मिक्स करके कूट लीजिए, इनका रस निकाल लीजिए। दोनों को 2-2 चम्मच की मात्रा में, यानी कि 2 चम्मच गिलोय का जूस और 2 चम्मच एलोवेरा जूस गुनगुने पानी के साथ लेते हैं। अगर आप इस तरीके से रोजाना लेते हैं तो दोस्तों इससे वात संतुलित होता है, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों गिलोय के अंदर ऐसी क्षमता होती है जो जोड़ों के दर्द को बहुत जल्दी ठीक कर सकती है। ये हड्डियों को मजबूती देती है, ये इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, खून बहुत गाढ़ा हो चुका है, जिनके कारण उनको हार्ट का खतरा हो चुका है, तो उनको गिलोय का सेवन रोजाना करना चाहिए। इसके अलावा ये दोनों औषधियाँ अगर आप रोजाना सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेते हैं, तो अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा है, बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा जमा रहते हैं, जिसके कारण आपकी त्वचा के ऊपर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, त्वचा के ऊपर पिंपल बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो ये गिलोय और एलोवेरा जूस का सेवन आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मैंने आपको यहाँ 2 उपाय बताए हैं। सबसे पहला है आपने तेजपत्ता मेथी की चाय बनाकर ऊपर से गुड़ डालकर लेना है, और दूसरा उपाय है आपको 2 जूस यानी कि एलोवेरा जूस और गिलोय जूस 2-2 चम्मच को गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना है। इसके अलावा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आपको जरूर पीना है, जो कि वात को संतुलित करता है। तो आप तांबे के बर्तन वाला पानी जो है वो हल्का सा गुनगुना करके उसके अंदर ही गिलोय और एलोवेरा जूस मिक्स करके ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।